हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से। और हम इसको पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट लेंगे, आलूओं को थोड़ा मोटा काटेंगे और धो के उसको अच्छे से दो तीन बार वाश कर लेंगे। फिर उसके बाद एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, कढ़ाई में तेल डाल दिया है हमने, और जीरा वो अजवाइन डालेंगे, अजवाइन थोड़ा क्रश करके डालेंगे। फिर थोड़ा सा हींग डाल देंगे, फिर थोड़े मसाले डाल देंगे। इसके बाद मसालों में डाला है हमने धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी खटाई। अब इसको हम पत्ता गोभी को डाल देंगे ऊपर से। पत्ता गोभी हमने डाल दी है और उसका जितना भी पानी है सारा ही निचोड़ निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि पानी ना जाए। पानी को निचोड़ के ही डालना है। और अब इसको हम चला देंगे, अच्छे से चलाएंगे, खूब अच्छे से चलाएंगे पत्ता गोभी को, जिससे कि हम सारे मसाले इसमें मैश हो जाएं। अब हम बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे कि हमारी सब्ज़ी लगे ना, हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और हम चेक कर रहे हैं कि आलू हुए कि नहीं, अभी आलू कच्चे हैं तो हम फिर से ढक देंगे इसको, फिर से दो तीन मिनट के लिए पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। ऐसे हमें दो तीन बार करना है, बीच बीच में चेक करना है और बार बार हमें इसे चलाते रहना, जिससे कि हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी लगे ना। और ये हमारी पत्ता गोभी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने बाउल में निकाल ली है और कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। अगर आपको पत्ता गोभी अच्छी लगी हो हमारी बनी हुई, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।